हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रवि। और आज की वीडियो में हम पता क्या करने वाले हैं, हम डॉक्टर बनने वाले हैं और ऑपरेशंस करने वाले हैं। सो यार वार्निंग अभी दे रहा हूं, यदि आप कमजोर दिल के हैं तो यार इस वीडियो को स्किप मार दो, मत देखो, नहीं तो हम चीरा फाड़ी करेंगे बॉडी के साथ। जब आप देखेंगे तो आई थिंक आपका दिल कमजोर होगा, तो ऐसा लगेगा आपका दिल घटना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं कुछ ट्रेलर दिखा देता हूँ कि आज की वीडियो में हम आखिर करने क्या वाले हैं। सो फर्स्ट नंबर पर है गैपिंग वाउंड, पेट में नीडल की मदद से हम सीने वाले हैं। नंबर टू, एक पेशेंट के पेट में ग्लास फंस चुका है और हम सर्जरी की मदद से निकालेंगे। नंबर थ्री, बोन रिकंस्ट्रक्शन, बोन की तोड़ा फड़ी हो चुकी है, पूरी तरह टूट गई है और हम उसे जोड़ने वाले हैं। नंबर फोर, स्टोमच पेन, पेट में बहुत ही दर्द है, बहुत सी सर्जरी करेंगे, हार्ट सर्जरी भी करेंगे, यहाँ तक कि ट्यूमर सर्जरी भी। सो वीडियो शुरू करने से पहले ये एक छोटा सा ट्रेलर देखिए, डॉक्टर्स हमारे लिए क्या क्या कुछ करते हैं, जिनको हो या हार्ट सर्जरी करनी हो, ऑपरेशन करना हो, ब्रेन में ट्यूमर हो, अलग अलग तरह की बीमारी हो, कौन बचाता है? डॉक्टर। यदि डॉक्टर ना हो तो यार दुनिया में बहुत लोग ऐसे ही मर जाएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है गैपिंग वाउंड। सो देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम भी है, बट हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो फर्स्ट है गैपिंग वाउंड। सो ओके, अब मैं से स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, सो ये देख रहे हो आप, इसमें अब करना क्या है, नीडल की मदद से अब इसे सीना होगा। ओके, अब हम सीने वाले हैं और हमारे पास तरह तरह की चीजें हैं। सो नीडल की मदद से फर्स्टली हम गैपिंग करते हैं और पहला एक 11%, दो 45%, तीन 72%, 72% फिर से 93%। और ये देखिए अब एप्लीकेटर डाल फेंकना होगा। सो अब एप्लीकेटर की मदद से अब इसे साफ करते हैं। सो 100% हो चुका है और अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। गुड जॉब डॉक्टर रवि, सो हमें इन्होंने हमें गुड जॉब दी है। सो ये ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुका है, बट सेकंड ऑपरेशन बहुत ही डेंजरस है। इसमें एक पेशेंट के चेस्ट में ग्लास फंस चुका है और यदि हम उस ग्लास को सही ढंग से नहीं निकाल पाए तो उस पेशेंट की मौत तो यार पक्की है। सो चलिए ऑपरेशन करते हैं और दुआ करते हैं। दुआ क्यों, अच्छा डॉक्टर हूं और अच्छा हम डॉक्टर है। सो चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन करते हैं। सो देख रहे हो आप, जब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो ग्लास है, वो फंसा हुआ है और अब उसे निकालना है। सो निकाल दिया और रख दिया। ओके ओके, ध्यान से रख दिया। सो अब नीडल की मदद से फिर से करना होगा। एक 47%, 56%, 82%, 85%, 100%। सो कंप्लीट ये ऑपरेशन और अब पेट चेस्ट के ऊपर। सो फिर से नीडल 48%, 82%, 100%। अब एप्लीकेटर। ओके 100%। सो ये ऑपरेशन, गुड जॉब डॉक्टर रवि। तो ये ऑपरेशन भी हमारा कामयाब हो चुका है, बट नेक्स्ट थर्ड ऑपरेशन इससे भी ज्यादा डेंजरस है। थोड़ी सी भी गलती हुई हमारे से तो आई डोंट नो क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। सो चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं। सो थर्ड ऑपरेशन में पूरी तरह हड्डियां टूट चुकी है और इस ऑपरेशन का नाम है बोन रिकंस्ट्रक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्टली हमें एप्लीकेटर इस्तेमाल करना होगा। ओके 100% करना होगा। ओके सो अब स्केलपल की मदद से हमें थोड़ा सा कट लगाना होगा। सो ओके ओके ओके, सो कमजोर दिल वाले ना देखें प्लीज। सो ये देखिए क्या हालत हो चुकी है हमारी, बोन्स को देखिए पूरी तरह टूट चुकी है। सो अब इसे एक एक करके बाहर निकालते हैं फोर्सेप्स की मदद से। ओके एक सेकेंड पीस उठाया और अब थर्ड उठाते हैं। ओके सो ओके, अब नए पीस लगाते हैं, हमारे पास नए पीस है। सो ध्यान से लगाना, गलत लगाया तो यार। सो ये पीस ये नहीं, यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा ये पीस, गलत पीस उठाया हमने। अब ये वाला पीस यहाँ पर लगेगा। ओके अब ये वाला। ओके अब लास्ट पीस। ओके 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 100%। सो अब ओके मेटल सपोर्ट देनी होगी हमें इसे, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया तो ये हिल जाएंगी।
हमारा ये भी हो चुका है, अब कुछ नहीं करना, नीडल की मदद से करना होगा। 12% 67% 76% टाइमिंग भी आ रही है। सो हो चुका है एप्लीकेटर। ओके सो पूरी तरह ये भी हमारा काम जब हो चुका है। गुड जॉब डॉक्टर रवि, ऑपरेशन सक्सेसफुल। बाय द वे फ्रेंड्स, जो मैं नीडल यूज कर रहा हूँ, सुई यूज कर रहा हूँ, वो रियल लाइफ में डॉक्टर कैसी होती है, चलिए देखिए। इस तरह की होती है। अब दिल घट रहा है ना आपका, सो इसीलिए डॉक्टर बहुत ही मुश्किल से ऑपरेशन करते हैं। सो फोर्थ ऑपरेशन है हमारा स्टोमच पेन। पेट में बहुत ही ज्यादा पेन हो रही है, दर्द हो रहा है एक पेशेंट का, और उस दर्द को हमें खत्म करना होगा। सो देखते हैं क्या आ गया नेक्स्ट। सो पहले पेट का एप्लीकेटर फेंकना। ओके 93% 93 से आगे नहीं बढ़ रहा। ओके थोड़ा सा ओके, इसे पहले 100 करते हैं। ओके 100% कम्प्लीट। स्कैल्पल की मदद से थोड़ा सा कट लगाना होगा। ओके लग गया। सो देख रहे हो आप अंदर कैसा सिस्टम होता है हमारा। सो अब थोड़ा सा कट यहाँ पर लगाता हूँ। ओके ओके ब्लड। सो देख रहे हो ऐसे लेजर की मदद से खत्म करना होगा, जैसे पिंपल्स होते हैं हमारे फेस में, ऐसे पेट के अंदर है। अब इसे खत्म करना होगा। मैं थोड़ा सा ओके 100% कम्प्लीट हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। अब एप्लीकेटर फेंकना होगा। ओके 100% कंप्लीट हो चुका है हमारा, और अब इसे फिर से नीडल की मदद से गैपिंग को भरना होगा। 100% ये भी हो चुका है। सो फिर से नीडल यूज करनी होगी पेट के ऊपर, स्टोमच के ऊपर। 90 67%। ये भी 100% कंप्लीट हो चुका है, हमने 4 ऑपरेशन कर दिए। सो फिफ्थ ऑपरेशन हमारा है स्टोमस ट्यूमर। पेट में ट्यूमर हो चुका है। सो उस ट्यूमर को क्या हम खत्म कर सकते हैं, देखिए ऑपरेशन। सो ये हमारा पेट, और अब इसे स्कैल्पल की मदद से थोड़ा सा कट करना होगा। ओके अब इसके अंदर चलती है, ये देख रहे हो ये है ट्यूमर, और सबसे पहले हम स्कैल्पल की मदद से काटते हैं। ओके ओके ओके। सो हो चुका है पूरी तरह कंप्लीट, और फोर्सेप्स की मदद से अब इसे अलग करते हैं। ओह शिट। ओके अब लेजर की मदद से इसे भरते हैं। सो देख रहे हो हमारे शरीर के अंदर क्या कुछ होता है। सो एप्लीकेटर उसकी 100% कंप्लीट हो चुका है। सो अब इसे फिर से नीडल की मदद से गुड जॉब डॉक्टर रवि। सो ये ऑपरेशन भी हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हमारे 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, और देखा आपने कि हमारे पेट के अंदर क्या कुछ होता है। इसीलिए आपकी सेफ्टी, आपकी सेहत की सेफ्टी आपके हाथ में होती है। सो चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं, और नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा है लंग सर्जरी। लंग की में सर्जरी करनी है, और आपको ही पता सर्जरी कितनी टफ होती है, चलिए करते हैं। सो ये देख रहे हो ये हमारा पेट है, और सबसे पहले क्या करना है, एप्लीकेटर। ओके अब स्कैल्पल की मदद से थोड़ा सा कट करते हैं। ओके अब ये देख हमारा ये लंग है, और फिर से इसे कट करते हैं स्कैल्पल की मदद से। सो इस पार्ट को अब अलग करना होगा। सो अब फोर्सेप्स की यूज मदद करनी पड़ेगी। ओके हाँ, फॉर्सेप्स तो अलग करना है अभी से। पार्ट पूरी तरह अलग हो चुका है। सो अफे फॉर्सेप्स की मदद करनी होगी थोड़ा सा। 50% अब ओके। अब नीडल टांके लगाने होंगे अब हमें। गलत कर दिया। ओह शिट, हमारे पास टाइम भी कम बचा है यार, जस्ट 35 सेकंड्स बचे और मुझे कंप्लीट करना होगा, यदि नहीं होता ये पेशेंट मर जाएगा। ओके ओके 30 सेकंड्स। ओके जल्दी जल्दी कम ऑन। 0 33%। ओके 26 सेकंड रह चुके मेरे पास, 24 सेकंड। ओ यार जल्दी कंप्लीट कंप्लीट। 82%। ओ शिट ओनली 20 सेकंड यार,
मैं आपसे बात नहीं करूंगा, प्लीज वेट। सो एप्ली कंप्लीट 83% 90, सो जस्ट 13 सेकंड 12 सेकंड 11 90 हो चुके हैं। कम ऑन रवि, कम ऑन, इस पेशेंट को मरने नहीं दूंगा मैं, नहीं मरने दूंगा मैं 97 4 सेकंड जस्ट 4 सेकंड सो मैंने कर दिया। माय गॉड, ये ऑपरेशन मेरा, सच में यार मेरा हार्ट धड़क रहा है, फील करके देखो, सच में यार ऐसा लगा जैसे रियल में ऑपरेशन कर रहा हूँ। सोचिए मेरा दिल ऐसे कर रहा था, डॉक्टर सच में यार। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है। सो नेक्स्ट ऑपरेशन बहुत ही डेंजरस है, हार्ट सर्जरी, जिससे हमारी पूरी बॉडी चलती है हार्ट दिल से, और हमारे दिल की सर्जरी करनी है। थोड़ी सी गलती की तो दिल रुक जाएगा। इसमें करना है क्या, जो पाइप है उसे कट करना है और दिल की ऐसे करके जोड़ना है। चलिए मैं कुछ दिखाता हूँ ऑपरेशन में हमें करना क्या है। सो पहले हमें क्या करना होगा, स्कैल्पल की मदद से कट करना होगा। ओके सो आप देख रहे हो आपकी बॉडी में दिए देखिए हार्ट है, अब इसे कट करना होगा, अब इसे जोड़ना होगा। ओके पहले कट करते हैं। ओके हो चुका है। सो अब फोर्सेप्स की मदद से इसे खींचना होगा थोड़ा सा। ओके अरे इसके अंदर लेट कर, कट कर स्कैल्पल। ओके So, अब लेजर की मदद से इसे फिट करना होगा, नहीं तो ये हिल जाएगी यदि हम ऐसा नहीं करेंगे। यार ये क्या हो रहा है, ओनली 1 मिनट 5 सेकंड्स बचे हैं, और यदि मैं नहीं कर सका तो ये पेशेंट मर जाएगा। आई थिंक मैंने क्या गड़बड़ की मैंने यार, शिट, 54 सेकंड 53 सेकंड 52 सेकंड आई थिंक मैं लेजर को कंप्लीट नहीं किया। ओके अब हो चुका है। सो अब तो नीडल, आपको लग रहा होगा ना कि ये नीडल मैं इजी वे से कर रहा हूँ, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे बड़ी बड़ी सुई ही होते हैं सुई। सो यार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा डरावना डेंजरस ऑपरेशन कौन सा लगा, और दूसरी बात कमेंट कर देना जो डॉक्टर्स होते हैं कितनी हिम्मत होते, कितने हौसले से हमारा ऑपरेशन करते और हमें ठीक करते हैं। यदि वो ना हो तो यार बहुत से लोग ऐसे ही मर जाएंगे। सो यह बताना ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि कुछ बताना कि कौन सा ऑपरेशन आपको सबसे ज्यादा भयानक डेंजरस लगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।